हेलो गाइस, वेलकम टू एमएस एडिटिंग चैनल। तो गाइस, आज का हमारा वीडियो पिक्सआर्ट क्रिएटिव फोटो एडिटिंग पर होने वाला है। तो गाइस, स्क्रीन पर आपको कुछ फोटोएं नज़र आ रही होगी। तो गाइस, इस टाइप की फोटो एडिटिंग आज अपने पिक्सआर्ट ऐप में करने वाले हैं। तो गाइस, इस टाइप की फोटो एडिटिंग सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। तो गाइस, अभी तक आपने एमएस एडिटिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, अपना वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइज, आपको यहाँ पे सिंपली पिक्सआर्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में गाइज, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको टूल्स वाला ऑप्शन नज़र होगा। तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ से आपको कर्व को सेलेक्ट करना है। तो कर्व को गाइज आपको हल्का सा थोड़ा नीचे की तरफ इसको रखना है। यहाँ पे थोड़ा आपका बैकग्राउंड यहाँ पे थोड़ा हल्का सा डार्क हो जाएगा और यहाँ से आपको राइट डन कर देना है। राइट डन करने के बाद में गाइज, आपको यहाँ पे इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपको एक डिस्टॉर्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपको इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद में गाइज, आपको यहाँ पे लास्ट वाला वाटर वाला आपका यहाँ पे इफेक्ट्स नज़र आ रहा होगा। तो आपको ये इफेक्ट्स यहाँ पे अप्लाई करना है। तो गाइज, इस इफेक्ट्स में आपको रेडियस है जो उसकी आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे बढ़ा देनी है। आपको 62 के आसपास यानी आपकी जो फोटो है उस पर अप्लाई कर देनी है। तो आप देख सकते हो कि आपको कहाँ पे ये सेट करना है, उस अनुसार आपको इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। और इसके बाद में आपके इसकी वेव्स है तो वेव्स को कम कर देंगे। तो सर्किल वेव्स कम करने पे गाइस, जो आपके यहाँ पे सर्किल होंगे इफेक्ट्स में वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। तो वेव्स को बढ़ा देना और फेस को भी आपको कम कर देना है। फेस का मतलब ये होता है कि आपके ये सर्किल हैं ये ऊपर एंड अंदर की तरफ होते रहेंगे। तो आप यहाँ पर आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। तो वेव्स को मैं यहाँ पर हल्का यहाँ पर बढ़ा देता हूँ और यहाँ से इसे ले देता हूँ। तो गाइस, इसके बाद में आपको यहाँ पे इरेज वाला ऑप्शन है तो यहाँ पे जाना है और यहाँ से आपको कॉर्नर पे इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करने के बाद में गाइस, वापस ब्रश वाले ऑप्शन पे जाना है और हार्डनेस को आपको यहाँ पे 80-90 के आसपास रखना है और साइज को कम कर देना है। तो आपको फोटो को जूम करके आपको साइड से ये ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जिस टाइप से आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो गाइस, ड्रॉ में आपका जो सर्किल वाला पार्ट है आपकी बॉडी पे नहीं आना चाहिए। तो बॉडी के पास से आपको यहाँ पे ड्रो करना है जूम करके फोटो, तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसे। तो देख सकते हो कि आपकी फ़ोटो में हाफ में भी यहाँ पे कितना शानदार तरीके से यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है। तो इसको मैं साइड में भी यहाँ पे ड्रो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अंदर की तरफ भी मैं आप इसे अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद मेरे वाला ऑप्शन जाना है और जो पार्ट आपके क्लोथ्स पे आ रहे हैं उसको यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ। तो गाइस, देख सकते हो आपकी ये फोटो पे कितना शानदार तरीके से इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो गाइस, यहाँ से आपको इसको राइट डन कर देना है। राइट डन करने के बाद में गाइस, आपको यहाँ पे वापस एक बार और इसे यहाँ से इसको राइट डन कर देना है। तो गाइस, अब आपको इसमें थोड़ा सा और हम थोड़ा सा इफेक्ट्स डालने वाले हैं। तो गाइस, कुछ पीएनजीज हैं यहाँ पे, उसको आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, मैं ये वाली पीएनजीज को यहाँ पे अप्लाई करना और ब्लेंड पे जाके इसको स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद में गाइस, आपको उस वाली पीएनजीज को कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे नीचे की तरफ रखना है। इसको यहाँ से राइट डन कर देना है। वापस आपको एड फोटो पे जाना है और इस वाली पीएनजी को वापस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाके इसको स्क्रीन कर देना और इसको कुछ इस टाइप से स्क्रॉल करना है। यहाँ पे रखना और यहाँ पे ओपेसिटी पे जाके इसकी ओपेसिटी को कम कर देना और यहाँ से राइट डन कर देना। तो गाइस, देख सकते हो कि आपकी फ़ोटो पहले कुछ इस टाइप की थी और अब कुछ इस टाइप की हो गई। तो कितना शानदार तरीके से आपकी फ़ोटो में यहाँ पे लुक ऐड हो चुका है। तो गाइज, आपको यहाँ पे ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाना है और ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में गाइज, आपको फोटो को यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके सेव कर लेना है। तो गाइज, अगर आपको फोटो एडिटिंग अच्छी तरीके से समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट करके गाइज जरूर बताना कि आपको वीडियो यहाँ पे कैसा लगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सभी जगह पर यहाँ पे शेयर कर देना है। और गाइज, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।
नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय।